प्रॉब्लम्स को बाय, हैप्पीनेस को हाई में मैं ईला आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब तक हमने ये देखा कि विचारों का जीवन पे कैसा प्रभाव पड़ता है। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ, विल पावर कितनी इम्पॉर्टेंट है। हमने यह भी देखा कि बाज़ार जाके पैसे से कंफर्ट की वस्तु, सुविधा की वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, परंतु आनंद नहीं खरीदा जा सकता। आनंद मिलता है मेंटल हेल्थ से। हमारे विचारों का हम पर ही नहीं बल्कि प्रकृति पे भी असर पड़ता है, इसलिए हमारे विचार सदैव सकारात्मक होने चाहिए। सिस्टर तृप्ति से इस विषय पे और चर्चा करते हैं। ओम शांति सिस्टर तृप्ति। ओम शांति। तो सिस्टर तृप्ति, आज आप हमें क्या बताएंगी? एक छोटी बच्ची थी, दवाइयों की दुकान में जाकर उसने केमिस्ट से कहा, मुझे मिराकल चाहिए, मेरे भाई के ब्रेन में कुछ हो गया है और मम्मी कहती है उसे सिर्फ मिराकल ही बचा सकता है। केमिस्ट ने मुस्कुराकर उस बच्ची से कहा, बच्ची मेरे पास तुम्हें देने के लिए मिराकल नहीं है। बच्ची ने कहा, मम्मी कह रही थी कि अगर भाई को बचाना है तो ऑपरेशन करना होगा, और पापा कह रहे थे कि मेरे पास ऑपरेशन के पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं अपने गुल्लक से पैसे लाई हूँ मिराकल खरीदने के लिए, मुझे मेरे भाई को बचाना है। बच्चे की ये बातें एक खड़ा इंसान भी सुन रहा था, वह एक सर्जन था। उसने बच्ची से कहा, बच्ची क्या तुम मुझे अपने भाई के पास ले चलोगी? बच्ची उसे अपने भाई के पास ले गई। उस सर्जन ने उसके भाई का डायग्नोसिस किया और उसकी सर्जरी की, और तब उस बच्ची को मिराकल की कीमत समझ में आई। उसे यह समझ में आया कि मिराकल की कीमत 5 रुपए हैं जो उसके गुल्लक में थे, और उसके साथ साथ क्या है, फेथ, कॉन्फिडेंस, विल पावर, बिलीफ कि मुझे भाई को बचाना ही है हर कीमत पर। इस फेथ के कारण क्या हुआ, इस विल पावर के कारण क्या हुआ? थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस। सर्जन भी मिल गया, उसने सर्जरी भी कर दी, एंड मिराकल हैपेंड। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी मिराकल की तलाश करते रहते हैं। हमें यह जानना जरूरी है कि मिराकल कहीं बाहर नहीं, मिराकल हमारे अंदर है। हमारा फेथ, हमारा बिलीफ, हमारी विल पावर जब स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो क्या होता है, वह मिराकल का फॉर्म ले लेती है। और सिर्फ विल पावर, फेथ और बिलीफ ही नहीं, लेकिन उसका बेस, उसका फाउंडेशन क्या है, पीस, हैप्पीनेस, सेल्फलेस लव, प्यूरिटी। तो छोटे बच्चों में ये सारे गुण बहुत कॉमनली पाए जाते हैं, इसलिए कहते हैं उनकी विल पावर, उनका फेथ जब किसी बात में हो तो उस बात की होने की शक्यता, उस बात की होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो शायद इसीलिए कहा गया है कि दवा के साथ दुआ भी काम करती है। अगर मन में फेथ हो तो बड़े बड़े मिराकल्स हो सकते हैं। ये सही है ईला। यह शरीर कुदरत का एक नायाब तोहफा है। इस शरीर में एक इंटरनल डॉक्टर भी होता है। यह इंटरनल डॉक्टर कुछ और नहीं पर हमारा इम्यून सिस्टम है। शरीर में बैक्टीरिया जैसे ही घुसने लगता है, वायरस
जैसे ही घुसने लगता है, इस इंटरनल डॉक्टर को पता चल जाता है कि रोग अब होने वाला है। और यह डॉक्टर अंदर ही अंदर क्या करता है? प्रॉब्लम की डायग्नोसिस करता है, उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, मेडिसिन देता है, वो भी बिल्कुल सही मेडिसिन, सही टाइम पे और सही बॉडी ऑर्गन को देता है। और क्या होता है? बॉडी ऑर्गन बिल्कुल ठीक हो जाता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो हमने यह देखा, यह बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है या इनविजिबल इंटरनल डॉक्टर की तरह काम करता है, हमेशा हमें बीमारियों से, रोगों से बचाता रहता है। और इसलिए ज़रूरी है हम अपने शरीर की केयर करें, हम अपने शरीर को बीमारियों से बचाएं। सिर्फ शरीर को ही नहीं, मन को भी स्वस्थ रखना हमारे लिए अति आवश्यक है। और कुदरत के इस बहुमूल्य तोहफे के साथ हम कर क्या रहे हैं? अगर हम एक नजर डालें अपनी लाइफस्टाइल पे, सुबह सुबह उठते हैं, घड़ी देखते हैं, अरे 8 बज गए, 8:30 बजे बस आने वाली है मुझे ऑफिस लेने के लिए। और हम क्या करते हैं? हड़बड़ी में उठते हैं, जल्दबाजी में तैयार होते हैं और इस जल्दबाजी में नाश्ता करना ही भूल जाते हैं। वक्त ही नहीं शरीर को कुछ खाना खिलाने के लिए। दौड़ते भागते ऑफिस पहुंचते हैं, काम शुरू ही करते हैं कि रियलाइज़ करते हैं, अरे थोड़ा हेडेक है, ज़रा अच्छा नहीं लग रहा, क्यों ना मैं कैंटीन में जाके कुछ खा लूँ। और ऑर्डर करते हैं फ्रेंच फ्राइज, मैकडॉनल्ड का बर्गर और आकर फिर से काम में लग जाते हैं। थोड़ी थोड़ी पेट में एसिडिटी, ज़रा सा डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है, लंच में थोड़ा और हैवी खा लेते हैं, चिकन बिरयानी खा लेते हैं। और फिर जब हम फिर से काम करने लगते हैं तो आसपास ऑफिस में टेंशन देखकर हमें भी चीज़ों का, बातों का टेंशन हो जाता है, डेडलाइंस दिखने लगती हैं, काम दिखने लगता है। तो इस शरीर को जो हमने पौष्टिक आहार नहीं दिया, उसके साथ साथ मन को भी हम पौष्टिक आहार नहीं दे रहे हैं। मन के लिए पौष्टिक आहार कौन सा है? पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे विचार, एनर्जेटिक थॉट्स। पर हम क्या दे रहे हैं? टेंशन, फियर, एंगर। और यह सब मन में जाता है, तन में जाता है और फिर क्या होता है रिजल्ट? घर पर जब हम लौटते हैं तो किस बात के साथ लौटते हैं? यह आउटपुट हमारे शरीर का, हमारे मन में, हमारे मुख में, हमारी आँखों में, हमारी बातों में, व्यवहार में, चाल ढाल में आने लगता है। और परिवार वालों के ऊपर हम बर्स्ट हो जाते हैं, उन पर अपना गुस्सा निकाल देते हैं। रात को सोते भी हैं तो अपने डाइट की तरफ ध्यान नहीं देते, कुछ भी खाकर सो लेते हैं, कभी कभी हैवी फूड खाकर सो जाते हैं। और सोते भी कैसे हैं? मन की क्लेंजिंग किए बिना नॉर्मली नहीं सोते, उन्हीं ख्यालों में, उन्हीं हैवियर थॉट्स को लेकर हम सो जाते हैं। और जिस प्रकार के थॉट्स हमारे मन में चल रहे होते हैं, वही थॉट्स रात भर भी मन में चलते रहते हैं। हाँ, उन थॉट्स की गति, उन थॉट्स की स्पीड ज़रूर कम हो जाती है, पर क्वालिटी ऑफ थॉट्स वैसे ही रहते हैं। क्वांटिटी भले ही कम हो जाए, लेकिन जब तक क्वालिटी पॉजिटिव नहीं है, आउटपुट पॉजिटिव नहीं मिल सकता। सुबह उठते ही क्या होता है? हम कहते हैं आज मुझे भारी भारी लग रहा है, हेडेक हो रहा है, मन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि रात भर से चले आ रहे नेगेटिव थॉट्स, ये हमारे मन में सुबह तक चलते हैं। और हमारी सुबह होती है एक नेगेटिव थॉट से। और सुबह उठते ही क्या देखते हैं? अरे 8 बज गए, फिर वही हड़बड़ाहट, फिर वही जल्दबाजी ऑफिस पहुंचने की, और हमारा यह कार्यक्रम चलता ही रहता है। ऐसा नहीं
कि हमें करेक्शन करने का कोई मौका नहीं मिलता। करेक्शन करने का मौका हमें हर पल मिलता है, क्योंकि करेक्शन करना यह मेरे हाथ में है। किसी भी समय जैसे ही हम अवेयर हो जाएं मन में कुछ नेगेटिव चल रहा है, तो हम क्या करेंगे? स्टॉप, चेक एंड चेंज द थॉट। तुरंत उस थॉट को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल देंगे और हमारी दिनचर्या, हमारा दिन फिर से पॉजिटिव होता जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि हम दिन भर स्टॉप, चेक, चेंज का फॉर्मूला अपनाते रहें जब भी यह ख्याल आए कि मन में कुछ नेगेटिव चल रहा है, और रात को सोने से पहले यह जरूरी है कि हम अपने माइंड को क्लीन करके सोएं। क्लीन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जिस थॉट के साथ सोते हैं उसी क्वालिटी ऑफ थॉट को हम नींद में भी कंटिन्यू करते हैं। क्वांटिटी भले ही कम हो जाए लेकिन क्वालिटी ऑफ थॉट नींद में नहीं बदलती। सुबह उठते ही भारीपन होता है, इसलिए ज़रूरी है रात को नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म करके सोएं, ताकि रात को जब सोएं तो पॉजिटिव थॉट्स हमारे मन में फ्लो करें, हमें एनर्जी देते रहें, हमें रात भर रिलैक्सेशन देते रहें, ताकि दूसरे दिन सुबह जब हमारी आँख खुले तो किस थॉट के साथ आँख खुलेगी? एक पॉजिटिव थॉट के साथ, एनर्जी के साथ। और हमारा दिन कैसे बीतेगा? हमारे दिन की शुरुआत अगर पॉजिटिव थॉट से होती है तो मोस्ट लाइकली हमारा दिन भी पॉजिटिव होता है। तो हमने यह देखा कि हमारा दिनचर्या, हमारी दिनचर्या जो आज की है उसमें थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है, दोनों ही स्तरों पर, मानसिक स्तर पर भी ज़रूरत है और शारीरिक स्तर पर भी इसे बदलाव करने की ज़रूरत है। एक और स्तर है, आत्मा का स्तर, सोल का लेवल। तो हमें ज़रूरी है हम अपने सोल को भी कॉन्स्टेंटली चार्ज करते रहें और जब भी मौका मिले इसे पॉजिटिव बना के रखें। सिस्टर तृप्ति, अब तक हमने ये देखा कि मन क्या है और मन की क्लिनजिंग क्यों ज़रूरी है और हमें मन और बॉडी को क्लीन करना चाहिए, पर ये सोल क्या है और सोल की क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं? हम जब 3D एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, 3-dimensional एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, वो 3 dimensions कौन से हैं? माइंड, बॉडी एंड सोल। सोल माना आत्मा। आई द सोल, मैं इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूँ। तो जब हम मन को और इस बॉडी को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हम इस सोल का भी ख्याल करें, इसे चार्ज करते रहें, स्पिरिचुअल पावर से इसे पावरफुल बनाते रहें। यह पावर, यह एनर्जी इस फिजिकल बॉडी के ऊपर कवच की तरह काम करती है। तो जैसे कि हमारी फिजिकल बॉडी होती है, उसी प्रकार हम सबकी एनर्जी बॉडी भी होती है। फिजिकल बॉडी आँखों से देखी जा सकती है, हाथ से छुई जा सकती है, लेकिन यह एनर्जी बॉडी, इसे न आँखों से देखा जा सकता है न हाथ से छुआ जा सकता है। जैसे हम फिजिकल बॉडी को डायग्नोसिस करने के लिए एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं, ECG का इस्तेमाल करते हैं, EEG का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही अब तरह तरह के यंत्र निकले हैं इस एनर्जी बॉडी को देखने के लिए, इस एनर्जी बॉडी को डायग्नोस करने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, एक यंत्र की सहायता से हम अपनी एनर्जी बॉडी को देखेंगे और इस एनर्जी बॉडी के एनर्जी सेंटर्स को देखेंगे। सिस्टर तृप्ति, ये फिजिकल बॉडी तो समझ में आती है, हमें आँखों से दिखती है, परंतु ये एनर्जी बॉडी क्या है? क्या हम इसे अपने आँखों से देख सकते हैं? और आपने अभी अभी कहा एनर्जी सेंटर्स, तो ये एनर्जी सेंटर्स क्या हैं?
हमारे घर में बिजली, इलेक्ट्रिसिटी यह किस तरह से पहुंचती है? वायर से। वायर से, और इन वायर्स तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचती है? इलेक्ट्रिकल यूनिट से। एग्जैक्टली, इलेक्ट्रिकल यूनिट से। और इलेक्ट्रिकल यूनिट में एनर्जी कहाँ कहाँ से आती है? पावर स्टेशन से। पावर स्टेशन से, पावर हाउस से। ठीक उसी तरह जैसे हमने देखा, पावर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट होती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स क्या करते हैं? वे इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं और ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू पावर यूनिट्स तक पहुंचाते हैं। फिर वहां वोल्टेज स्टेप डाउन होता है वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से, और फिर वहां से हमारे घर तक वायर्स की सहायता से, लाइंस की सहायता से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहुंचती है। और घर तक आते आते 220 वोल्ट या 110 वोल्ट ही रह जाती है। तो ठीक इसी तरह हमारा शरीर भी क्या है? यह भी एक तरह का इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। पावर हाउस माना सोल, आत्मा जो यहाँ भ्रुकुटी के बीच में बैठती है, दैट इज द पावर सेंटर। यहाँ से हमारे शरीर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाती है, पावर पहुंचाई जाती है। ब्रेन से निकलती हुई नसें, ब्रेन से निकलती हुई रिबोन और साथ में नसें जो हमारे हर सेल तक पहुंचती है, वो क्या काम करती हैं? इसी पावर को हर सेल तक, हर ऑर्गन तक पहुंचाती हैं। और कैसे पहुंचाती हैं? स्टेप डाउन करके। तो हमारे शरीर में भी बहुत सारे स्टेप डाउन वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स हैं और स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स भी हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर्स हैं जो वोल्टेज को कन्वर्ट करते हैं, उनको कहते हैं एनर्जी सेंटर्स। तो हमारी रीढ़ की हड्डी में और उसके आसपास तरह तरह के एनर्जी सेंटर्स हैं, नर्व्स कनेक्शंस हैं, और इन एनर्जी सेंटर्स को चक्र भी कहते हैं। और ये चक्र क्या करते हैं? इस पावर हाउस से एनर्जी लेकर स्टेप डाउन करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक भी पहुंचाते हैं, और कभी कभी स्टेप अप करके नीचे के चक्रों, ऊपर के चक्र तक एनर्जी पहुंचाते हैं। तो हुई ना यह एक बहुत ही अद्भुत, यू नो, हमारी बॉडी एक नायाब तोहफा है कुदरत का, जिसकी हमें वैल्यू करनी चाहिए। तो इसी प्रकार हमने देखा, ये जो इलेक्ट्रिक ऑरा है मेरी बॉडी का, ये जो इलेक्ट्रिक सेंटर्स हैं मेरे बॉडी के, जिन्हें चक्र भी कहते हैं, ये फॉर्म करते हैं एनर्जी बॉडी को। तो फिजिकल बॉडी आँखों से देखी जा सकती है, एक्सरे से उनमें रोगों का पता लगाया जा सकता है, ईईजी, ईसीजी भी हमें इस शरीर को देखने में और इसे समझने में मदद करते हैं। ठीक उसी तरह इस एनर्जी बॉडी को देखने में, इस एनर्जी बॉडी को समझने में, इस एनर्जी बॉडी को डायग्नोस करने में ऐसे कुछ यंत्र निकले हैं जो हमें मदद करते हैं। इन यंत्रों की सहायता से हम इन एनर्जी सेंटर्स का, हम इन चक्रों का एनर्जी लेवल जान सकते हैं और इन चक्रों से रिलेटेड ऑर्गन्स का एनर्जी लेवल जान सकते हैं। इस प्रकार से हम डायग्नोसिस भी कर सकते हैं और उसके लिए कुछ प्रिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। तो अब तक हमने देखा कि हमारी फिजिकल बॉडी है, उसी प्रकार से हमारी एनर्जी बॉडी भी है, और इस एनर्जी बॉडी के बारे में हम कुछ और जानेंगे अगले कड़ी में। अब तक हमें यही पता था कि हमारी फिजिकल बॉडी होती है जो आँखों से दिखती है। सिस्टर तृप्ति ने हमें बताया कि हमारी एनर्जी बॉडी भी होती है जो कि आँखों से ही नहीं दिखती, पर यंत्रों की सहायता से देखी जा सकती है। एनर्जी बॉडी के 7 चक्र होते हैं और वो किन गुणों से बनी हुई होती है, इसके बारे में हम जानेंगे हमारे अगले भाग में। हमें इस महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी बीके तृप्ति जी का। धन्यवाद सिस्टर तृप्ति।
अगर आपके कोई प्रश्न हो, सुझाव हो या कोई कमेंट्स हो तो हमें लिखना मत भूलिए। हमें आपके प्रश्नों का सदैव इंतज़ार रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर यहीं वापस मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति। आपका हार्दिक स्वागत है। आप उन महान भाग्यशाली आत्माओं में से हैं जो यहाँ आए हैं। आप विश्व इतिहास के सुनहरे क्षणों में आए हैं। यहाँ आपको अति प्राचीन व श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसा ज्ञान जिसकी आपको चिरकाल से प्रतीक्षा है। हजारों वर्षों से हमने भगवान की खोज की है। हमने उसके लिए यज्ञ किए, तप किए, दान और पुण्य किए, तीर्थ यात्राएं भी की, और वो सब कुछ किया जो एक मनुष्य कर सकता है। विश्व एक परिवर्तन के छोर पर खड़ा है। हमने भगवान की विभिन्न पद्धतियों से पूजा की, परंतु अब समय आ गया है हम उसके सत्य स्वरूप को पहचाने। केवल उस स्वरूप में नहीं जो पुस्तकों में लिखा है, उस स्वरूप में भी नहीं जिसमें हमने उसकी मूर्तियां बनाई है, और उस स्वरूप में भी नहीं जिसमें हमने उसकी कल्पना की, बल्कि समय की आवश्यकता है भगवान को उसके सत्य स्वरूप में पहचानने की। भगवान को अब उसके द्वारा ही जानिए। वह स्वयं ही सत्य का रहस्योद्घाटन कर रहे हैं। वह सत्य ज्ञान केवल गुरुओं को या बुद्धिमानों को या कुछ पादरियों व पुजारियों को ही नहीं, बल्कि अपने संपूर्ण आत्मिक वत्सों को प्रदान कर रहे हैं। और प्रसन्नता का विषय है कि आप और हम सभी उसके बच्चे हैं, और वो है हमारा प्राणेश्वर परमपिता प्यारा परमात्मा। अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम समुद्र है, हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाएं। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। हर
से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है।